नमस्कार साथियों, मैं आपको अपने YouTube चैनल जय गाइड पे तहेली से स्वागत करता हूँ। प्रश्नावली 1.3, यह चैप्टर आपके बोर्ड के एग्जाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रत्येक साल कोई ना कोई सवाल देखने को जरूर मिलता है, इसलिए इस चैप्टर को आप लोग घर पे भी बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जब सवाल को करेगा तो आप लोग ध्यान पूर्वक जब पढ़े रहेंगे तो आप आराम से इसे एग्जाम में लिख पाइएगा। तो सबसे पहला सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे सिद्ध करना है हम लोग को, तो ध्यान देंगे कि यहाँ पर सिर्फ आप लोग को √5 सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। अगर आप लोग को एग्जाम में √3 भी पूछ देगा, √2 भी पूछ देगा और √5 भी, अगर √5 तो है, √6 भी अगर पूछ देगा, तो आप इसे आराम से इसको लिख के और आप लोग इसको सिद्ध कर लीजिएगा। सिर्फ वीडियो को आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़ना है ताकि आप लोग को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जब आप लोग को यहाँ पर अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बोला है तो आप लोग को यहाँ पर उसके अपोजिट मान लेना है, यानी उसके विपरीत मान लेनी है कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। हम लोगों ने इसे मान लिया कि यह एक परिमेय संख्या है, इसीलिए क्या होगा कि √5 बराबर a बटे में b हो जाएगा, और जो b होगी वह 0 के बराबर में नहीं लेना है, ठीक है। इसे हमेशा से ये परिमेय संख्या का इस तरह से एग्जाम्पल होता है, इसे हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अब ये जो हम लोग का है ए एवं बी सह अभाज्य संख्या होगी, सह अभाज्य है, एवं बी सह अभाज्य है, अतः हम लोग इसे लिख सकते हैं कि HCF ए और बी का क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक। अब इसे हम लोग क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, √5 को बी के साथ करेंगे और 1 को ए के साथ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, √5 × b बराबर में ए हो जाएगा। अब ये जो संख्या आई हम लोग का, इसको दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, लिखेंगे हम लोग यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो √5 को अगर 2 बार गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ 5, और b को करेंगे तो b² और ये को करेंगे तो a² आ जाएगा। इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम लोग b² बराबर a² / 5 में लिखेंगे तो देखेंगे कि a² जो है वह 5 से भागा लग जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि a² 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, और यहाँ पर ये भी जो है वह 5 से विभाजित हो जाएगी, से विभाजित होगा, विभाजित होगा। इसको समझने के लिए मैं आप लोग का एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि अगर a² बराबर अगर हम लोग ले लेते हैं 100, तो यहाँ पर a बराबर हम लोग का 10 आ जाएगा, और अगर हम लोग 5 से भागा लगाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगी, भागा लग जाएगा, और यहाँ पर भी ये क्या होगा, अगर 5 से लगाएंगे तो ये भी यहाँ से भागा लग जाता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखें कि ए भी 5 से विभाजित होगा, ओके। अब अतः यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5 × c बराबर ए लिखेंगे, ऐसा समझिए कि हम लोगों ने इसको मान लिया है। तो जो सी आया, सी सी कोई धनात्मक पूर्णांक है, सी कोई धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक है। ये सारे स्टेप्स को आपको लिख के चलना होगा, आप लोग कहीं भी इसे लिखने में कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे, ताकि आपका एक भी नंबर कटने की कोई चांस नहीं होता है। तो अब ये जो संख्या हम लोग को आया, इसे भी हम लोग दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, लिखेंगे आप लोग दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। अब जब इसे वर्ग कर देंगे तो 5 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे, 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, और सी को करेंगे तो c² और ए को करेंगे तो a² आ जाएगा। और ये स्क्वायर का मान हम लोग देख रहे हैं कि समीकरण 1 में क्या है, 5 b² है, तो इसे हम लोग लिख देंगे 25 c² बराबर 5 × b² जब इसे भागा लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये 5 × c² बराबर b² आ गया।
ये क्या होगा हम लोग का समीकरण 2 हो गया। हम लोग यहाँ पर इसे लिख देंगे कि बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, और बी भी 5 से विभाजित है, होगा। यानी मैंने आप लोगों को जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझाया ये वाला, बस उसी तरह से आप एग्जाम्पल यहाँ पर भी इसको समझ सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पर, ठीक है। अब हम लोग को समीकरण 1 और 2 से क्या मिला है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से ऐसा लिखेंगे तो हम लोग का ए एवं बी दोनों 5 से विभाजित है, अर्थात हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर कि अर्थात जो हम लोग का एस सी एफ ए और बी जो माने थे कि यह 1 होना चाहिए था, यह 1 नहीं आया हुआ है। तो अतः अतः हमारी अवधारणा गलत, या तो इसे लिख सकते हैं विरोधाभास है, विरोधाभास है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए सिखा दिया। इसी तरह से यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि √3 और √2 के बारे में पूछे, √8 के बारे में पूछे, √12 के बारे में पूछे, जो भी संख्या के बारे में अगर आप लोग को पूछता है, जहाँ जहाँ मैंने √5 को रखा हुआ है वहाँ पर सिर्फ आप लोगों को √3, √2 और √8 को रखेंगे, √12 को रखेंगे, तो एज इट इज इसका सॉल्यूशन जिस प्रकार से हुआ है उसी प्रकार के उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो का सॉल्यूशन अगर अच्छा लगा क्वेश्चन का, तो जरूर वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगा तब, अगर अच्छा नहीं लगा तो आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। अब नेक्स्ट सवाल है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिद्ध कीजिए कि √3 सॉरी रूट सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि क्या है कि आप पहले मान लेंगे जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर अभी अभी माना है, अगला सवाल में जिस प्रकार से हम लोग मान के बना रहे थे उसी तरह से इसमें भी हम लोग को मान के बनाना है, लिखना है कि अपोजिट आप लोग को मान लेना है, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भद्दा हो जा रहा है, मैं लिख रहा हूँ कुछ और हो जा रहा है कुछ और, इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसे पतला में कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने पतले में कर लिया है। अब देखो इसे लिखना है पूरा प्यार से कि क्या हो जाएगा कि माना कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जब परिमेय संख्या है तो इसीलिए इसे हम क्या लिख सकते हैं कि 3 + √5 बराबर ए बटे में 5 बी लिख सकते हैं, और जो बी होगा वह 0 के बराबर में नहीं होगा। जिस प्रकार से उन लोगों को लिखे थे जो पहला सवाल को लिखे थे, बस उसी तरह से इस सवाल को भी लिख लीजिए कि ए एवं बी जो है वह सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। अतः हम लोग लिख सकते हैं कि एस सी एफ ए और बी का जो होगा वह 1 होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग बदल देंगे, यानी आपका यहाँ पर √5 बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि ए
बटे में बी, इधर जो प्लस में थी √3 प्लस में था, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग का ये जो है हम लिख सकते हैं कि ए बटे में बी माइनस थ्री एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है और हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, संख्या है। इसे लिख सकते हैं हम लोग, अर्थात आपका √5 बराबर नहीं हो सकता है ए बटे बी माइनस थ्री के। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है, विरोधाभास है, इसीलिए 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे अपने कॉपी में। नेक्स्ट सवाल आपका है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं, यानी आप लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में 3 सवाल हैं, आपको तीनों सवाल अच्छे पूर्वक इसको सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहला मैं यहाँ पर बता दूंगा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप लोग वहाँ से सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चन हैं आप लोग इसको समझते जाइए और अच्छे से सॉल्यूशन करते जाइएगा। हो सकता है कि आप लोग को तीसरा का चैप्टर का जो इसमें दिया हुआ है तीसरा सवाल का, उसी से आपको सवाल देखने को मिल सकता है, यानी हो सकता है कि इसको पूछ दे, या तो इसको पूछ सकता है या तो इसको भी पूछ सकता है। इसलिए ध्यान पूर्वक इसके भी सॉल्यूशंस को देखते जाइए। तो आप मान लेंगे, यानी सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, माना कि ए बाय √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसीलिए 1/√2 बराबर ए बटे में बी लिखेंगे और बी बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और ए एवं बी सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। अतः हम लोग इसे लिख सकते हैं कि HCF ए और बी का बराबर में 1 होगा। ठीक है, अब इसे हम लोग क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, एक को बी के साथ गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी, और जब √2 को ए के साथ गुना करेंगे तो ए √2 हो जाएगा, और √2 बराबर हम लोग लिख सकते हैं बी बटे में ए। हम लोग ये चीज़ लिख लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए बी बटे ए एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अर्थात √2 बराबर नहीं होगा ए बटे बी का। अतः हमारी अवधारणा
विरोधाभास है, विरोधाभास है, इसलिए 1/√2 एक परिमेय अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, संख्या है। जो कमजोर विद्यार्थी हैं, जिनको इस चीज को समझ में नहीं आ रहा होगा, वो लोग घर में कम से कम इसे 4-5 बार जरूर बनाएंगे। एक बार एक क्वेश्चन को 4-5 बार जरूर बना लीजिएगा। अगर आप बना लेंगे तो आपको फिर कभी डाउट नहीं होगा, ये मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। इस बात पे ध्यान रखेंगे, जो जो मैं बोलते जाता हूँ वो चीज़ करते जाइएगा, तो आप लोग को नंबर लाने में कोई भी त्रुटि नहीं रह जाएगी और आप लोग अच्छे खासे नंबर लेके आ जाइएगा। मैं पन्ना बदल लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। अब आप लोग को 7√5 को सॉल्व करके दिखाना है कि यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है ना। तो आप लोग जानते हैं कि सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या के रूप में, है ना। तो चलिए मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप फिर उसी तरह से लिखेंगे जिस प्रकार से सब संख्या को लिखते हैं। आप इसे आंसर माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। इसीलिए 7√5 बराबर a/b होगा। अब जो b होगा वह 0 के बराबर नहीं होगा। आप इसे यहाँ पर लिख देंगे कि a/b सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। अतः आप लिखेंगे कि SCF जो है वह AB का बराबर में 1 हो जाएगा। अब इसे हम लोग क्रॉस मल्टीपल करेंगे या तो गुना कर देंगे कि क्या होगा कि √5 बराबर आपका a/7b हो जाएगा। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, संख्या है। वह हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, संख्या है। अर्थात √5 बराबर नहीं होगा a/7b का। तो अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है, विरोधाभास है। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, संख्या है। दोस्तों आपका जो नेक्स्ट सवाल है, आप लोग बस उसी तरह से इसे भी सॉल्व कर लेंगे और आप लोगों को कहीं भी डॉट नहीं होगा। अगर यहाँ पर जो दिया हुआ है, मैं इसको बताता हूँ कैसे करना है। सो सिर्फ यहाँ पर सॉरी देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि जो आपका दिया हुआ है कि 6+ में √2 दिया हुआ है ना। यहाँ पर √2 बराबर क्या ले लेंगे, यहाँ आप √2 बराबर ले लेंगे a/b माइनस में आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और बस इसको हम लोग क्या ले लेना है, परिमेय संख्या मान लेना है। और ये हम जानते हैं कि इसे क्या लिख देंगे, अपरिमेय संख्या लिख देंगे। और बस उसी तरह से लिख देंगे कि हमारी अवधारणा है कि यह विरोधाभास साबित होता है, इसीलिए हम लोग का जो 6+√2 है वह जो हो जाएगा हम लोग का अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग को जो भी क्वेश्चंस थे वह मैंने सॉल्यूशन करवा दिए हैं। अगर आप लोग को कुछ समझने को यहाँ से मिला है
तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर जाएंगे अगर आप लोगों को सीखने को मिला है तब, और अगर सीखने को कुछ भी नहीं मिला है तो आप यहाँ से कुछ भी लाइक या शेयर कुछ भी करना नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।